अब तक हमने बेसिक रूल किया था। बेसिक रूल क्या था हमारा, फिर से एक बार आपको रिपीट थोड़ा सा लिख देती हूँ। बेसिक रूल था कि सबसे पहले पावर की डिफरेंशिएशन, फिर जिसकी पावर उसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 4 आता है, वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तब लगता है अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस ये आपका क्वेश्चन है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। तो जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में नजर आ रहे हैं, तब आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल है क्या? डिफरेंशिएशन, देखो की लगा रही हो ना, वो तो डिफरेंशिएशन ले फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी। जिसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी होती वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है। जैसे इसमें मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट फंक्शन को दी, तो सेकेंड की जो हमारी उसके लेफ्ट साइड पे आ गया। इसमें फर्स्ट फंक्शन जो है वो की के लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं इनका मतलब हम इनकी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। अगर आप यही इधर वाली साइड पे सेकेंड फंक्शन भी लिखा रहने दो, इसका मतलब उसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, लेकिन जबकि हमने उसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो हम अपनी की लगाएंगे डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो ये मेरी डिफरेंशिएशन की है इसमें मुझे यहाँ पर एक्स लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन के साथ पहले लगाऊंगी अपनी की, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब ये सोचो कि अगर दरवाजे पे दो लॉक लगे तो आप पैरेलली इकट्ठे तो नहीं खोल सकते, पहले एक लॉक खोलोगे फिर दूसरा, इसमें भी वैसे ही होता है हमारे पास। ठीक है, जिसके साथ ये डिफरेंशिएशन की लगी है, मतलब सिर्फ उसी की डिफरेंशिएशन करनी है। अब इसका मतलब x माइनस थ्री मैंने एज इट इज लिख दिया, x की डिफरेंशिएशन 1 और 2 कांस्टेंट है क्योंकि ये विदाउट x है, तो माइनस 0 प्लस x माइनस 2, x की डिफरेंशिएशन 1 तो 3 की आ गई 0। यहाँ पे 2 की डिफरेंशिएशन 0 आई क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर 3 की डिफरेंशिएशन 0 आई क्योंकि ये कांस्टेंट है। कैसे पता चलेगा ये कांस्टेंट है? क्योंकि ये विदाउट x है। तो फर्दर क्या बनेगा हमारे पास, x माइनस 3 1 माइनस 1 1, एक्स माइनस 2 1 माइनस 1 1 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ये हो गया 2x माइनस 5 इसका आंसर। ठीक है, ये था प्रोडक्ट रूल। ये तीन पे भी अप्लाई हो सकता है प्रोडक्ट रूल। सपोज अगर आपके पास ये तीन ब्रैकेट्स आ जाए ऐसे क्वेश्चन में के डिफरेंशिएट करो ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और 2x प्लस 5, तीन आ गए ना मल्टीप्लाई में, तीन आ जाए चार आ जाए, लेकिन काम हमने वही करना है। पहले चाबी यानी कि हमारी डिफरेंशिएशन की जो है वो फर्स्ट फंक्शन के साथ, सेकंड और थर्ड के साथ नहीं लग रही तो वो इधर आ जाएगी, यानी कि सी एक्स प्लस टी और 2x प्लस 5 प्लस। अब की जो है वो सेकंड फंक्शन के साथ लगानी है, सेकंड फंक्शन है क्या सी एक्स प्लस टी, तो फर्स्ट और थर्ड फंक्शन इसकी लेफ्ट साइड पे आएंगे, ए एक्स प्लस बी और 2x प्लस 5। अब मैंने डिफरेंशिएशन करनी है थर्ड की, थर्ड क्या है
2x प्लस 5 इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे लिखने का रीजन ही यही है कि हम इनकी डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वही सी एक्स प्लस टी और 2x प्लस 5 एज इट इज रहेंगे, ये डी है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, बी कांस्टेंट 0, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है, तो ये बन गया ए प्लस ए एक्स प्लस बी 2x प्लस 5, अब डी की 0 और सी एक्स की होगी सी, क्यों, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन होती है 1। ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एज इट इज, 5 की 0 और 2x की होगी 2। आगे आप इसको अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करके खोलना चाहो तो खोल सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया कि 3 आए 4 आए, वैसे बहुत कम केसेस है कि 2 या 3 हमारे पास 2 से ज्यादा फंक्शंस एट ए टाइम मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, बट अगर आएंगे तब भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आता है क्वोशेंट रूल। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब 2 फंक्शन हमारे पास डिवाइड में हो। सपोज मैं आपको पहले एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर आपको आ जाए कि डिफ्रेंशिएट y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 4। अब ये डिवाइड में है ना हमारे पास, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे? हमारे पास विद द हेल्प ऑफ क्वोशेंट रूल फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट रूल की तरह। तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन माइनस, वहां प्लस था यहाँ माइनस है, लेकिन डिफरेंशिएशन हमेशा फर्स्ट की करनी है, नहीं तो नेगेटिव साइन का फर्क आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज, तो ये मेरा क्या बन गया, फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर मैं अपना क्वेश्चन रूल लगाऊंगी, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। पहले मैं लाइन लिखूंगी एक इंग्लिश में कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एग्जामिनर को बताना है कि हम एक्स वाली की लगाएंगे। कैसे पता चलता है? हम अपने लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखते हैं कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो चाबी भी यानी कि डिफरेंशिएशन की भी कौन सी लगेगी, एक्स वाली। फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, क्वोशेंट रूल ये ऊपर जो मैंने लिखवाया ये लिख करने जा रहे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वोशेंट रूल डी वाई बाई डी एक्स बराबर है सेकंड फंक्शन का स्क्वायर सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy by dx x plus 4 x की differentiation 1, वैसे भी ये कट गया, यहाँ पर x की 1 4 की 0, क्योंकि 4 जो है वो constant है, और ये वाला square जो है बहुत कम केसेस में खोलने की जरूरत पड़ती है, खोलते ही नहीं है हम लोग, क्वेश्चन उलझ जाता है। x plus 4 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज रह गया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक्स एक्स कट गया ना, नेगेटिव साइन, एक पॉजिटिव का था एक नेगेटिव का था। ये था क्वोशेंट रूल, फिर से एक बार देखो, प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो फंक्शन, एक फर्स्ट को फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट में तो कोई नहीं, जिसको मर्जी आप फर्स्ट सेकेंड मान लो। एक बार मैंने अपनी की फर्स्ट के साथ लगाई सेकंड एज इट इज, फिर मैंने सेकंड के साथ लगाई तो फर्स्ट एज इट इज, जिसके साथ नहीं लगाई वो की के दूसरी साइड लेफ्ट साइड पे रख देने, और जिसकी करनी होती है वो राइट साइड पे, ठीक है। 2 कांस्टेंट था 0, एक्स की 1, ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि ये 3 के ऊपर भी लग जाता है, लेकिन काम वही फर्स्ट की फिर सेकेंड की फिर थर्ड की डिफ्रेंसिएशन। क्वोशेंट रूल जब 2 फंक्शन डिवाइड, प्रोडक्ट रूल और क्वोशेंट रूल में इतना सा फर्क है कि वहां पर यहाँ प्लस होता है, क्वोशेंट रूल में माइनस होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पी फॉर प्रोडक्ट पी फॉर प्लस,
और सेकंड फंक्शन का स्क्वायर है क्वेश्चन रूल में, माइनस और स्क्वायर यही फर्क है। ऊपर दिए गए फंक्शन को फर्स्ट ले लो, नीचे दिए गए फंक्शन को सेकंड।